बढ़ते इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहां कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने दरअसल अग्निवीरों का अपमान किया था, उसको लेकर अब कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी के पास अब सिर्फ यही हथकंडा बचा है। वो युवाओं को, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं राहुल गांधी, ये कहा है कंगना रनौत ने। राहुल के पास कोई हथकंडा नहीं बचा है। अग्निवीरों को लेकर बयान दिया था राहुल गांधी ने, जिस पर कंगना रनौत ने सवाल किया। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने? इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। अब इनके पास जीतने का और कोई हथकंडा नहीं बचा है। अब ये अफवाहों पर और लोगों को जो है वो भ्रमित करने पर और जो है ये पैसे खिला खिला कर जो है इस तरह की अफवाहें फैलाने पर ये इतना नीचे गिर चुके हैं। तो इनको जो है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं, कोई एसटी एससी कोई भी जो है वो आरक्षण, ट्राइबल आरक्षण जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा, संविधान में कोई चेंज नहीं होगा, बता बता के जो है सब थक चुके हैं। जो अग्निवीर स्कीम जो है उसके रिलेटेड भी सब जो है गृह मंत्री जी ने जो क्लैरिफाई किया है, फिर भी ये लोग अगर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो ये समझ आ रहा है कि ये लोग अब पूरी तरह से जो है वो नीचे गिर कर राजनीति करने के चक्कर में है। और माफिया के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर एक बार फिर से मोहर लग गई है। आपको बता दें कि इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की इस पॉलिसी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योगी सरकार ने बड़े बड़े बदमाशों की गर्मी शांत कर दी है। किस तरीके से तारीफ की है पीएम ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। योगी मॉडल की तारीफ। मोदी ने कहा यूपी में बदल गया मौसम का मिजाज, मौसम भी बदल गया। योगी ने कर दी बदमाशों की गर्मी शांत। हमारे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुले मंच से तारीफ की है। मोदी ने यूपी में बदमाशों की गर्मी शांत होने की चर्चा छेड़ दी है। पीएम ने अपनी चुनावी रैली में अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के कड़े एक्शन की सराहना की। मोदी ने कहा कि पहले यूपी के बदमाशों को बड़ी गर्मी लगती थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यूपी में मौसम बदल गया। योगी सरकार ने बड़े बड़े अपराधियों की गर्मी शांत करती है। माँ बाप मजबूर होकर बेटियों का स्कूल कॉलेज छुड़वा देते थे, व्यापारी इसी खौफ में जीते थे अब कौन गुंडा फिरौती मांग ले, कब किसका प्लॉट कब्जा हो जाए, कब किसका खेत चला जाए। सरकार की जमीन तक पर माफियाओं ने महल खड़े कर दिए थे। चले रुक लेंगे दो मिनट में भारत का। अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा घमंडिया गठबंधन जीत गया तो कौन होगा इनका पीएम, ये कहते हैं सभी लोग बारी बारी से पीएम बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम, कश्मीर मत मांगिए, हम डरने वाले नहीं, कश्मीर हमसे कोई कुछ भी अलग नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के बलिया में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। माफिया पर भी सीएम योगी ने दो टूक कहा, माफिया मिट्टी में मिल गए तभी उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना कहा, 400 पार की बात होते ही समाजवादी पार्टी को आने लगते हैं चक्कर। तेजस्वी यादव ने किया पीएम मोदी पर तंज, बिहार के साथ पीएम ने किया सौतेला बर्ताव, चुनावी रैलियों में विकास के बजाय मटन मछली की करते हैं बात। चरणजीत सिंह चन्नी के पाक प्रेम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बोला हमला, कहा कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान सपोर्टर्स का वोट चाहती है, इस वजह से कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम झलकता है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है बीजेपी उम्मीदवार और गठबंधन उम्मीदवार भी बड़े अंतर से जीतेंगे। बेबी केयर सेंटर हादसे को लेकर एक्टिव मोड में, जांच हादसे वाली जगह पर सबूत जुटाने पहुंचे एफएसएल की टीम। दिल्ली आग कांड मामले पर घटनास्थल पर पहुंचकर ज्वाइंट सीपी सागर सिंह कलसी ने घटना की जानकारी ली। कल हुए अग्निकांड हादसे में हुई थी 7 मासूमों की मौत। राजकोट हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने स्थानीय व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन को लगाई फटकार। कहा कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए फिर भी घट रही है घटनाएं। राजकोट अग्निकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल राठौड़ को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मामले में हाईकोर्ट ने राजकोट नगर निगम से जवाब मांगा। कूड़े कांड में एक और बड़ी खबर, कार में नहीं था कोई टेक्निकल फॉल्ट, सूत्रों से मिली जानकारी। कूड़े कांड में पुलिस को लगी एक और हाथ, लगी एक और सफलता। घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। वीडियो में घटना के बाद पोर्श कार से बाहर निकलता दिखाई दे रहा आरोपी।